हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी मिनी व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कोच शोरूम, जो कि है लग्जरी ब्रांड्स के लिए फेमस। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब हम पहुँच गए हैं कोच और यहाँ पे जो है मुझे दो टोटे बैग बहुत ही अमेजिंग लगे, एक ये वाइट वाला और एक येलो वाला। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी बहुत शूज़ की भी देखी कि शूज़ भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, तो ये वाले शूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बाकी आप कमेंट में बताना आपको कैसे लगे और आगे बने रहो कि मैं दोनों में से कौन सा चूज़ करती हूँ हैंड बैग। तो मतलब कंफ्यूज हूँ दोनों में, समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ, पर देखते हैं आप कौन सा सेलेक्ट करती हूँ। दोनों के ही प्राइस सेम है बिल्कुल। मेरे ख्याल से तुम्हें येलो वाला बेटर लग रहा है मेरे को, मतलब वाइट है तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। थोड़ा वाइट आगे भी है पीछे भी है, क्योंकि मैंने देखा है स्टेन्स पड़ जाते हैं वाइट पे। So I'll go with this. येलो ठीक रहेगा अभी तो। चलो बिल करा देते इसका। ये वाला का भी प्राइस उतना है जो मैं ले रही हूँ हैंडबैग। छोटे बैग्स यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बड़े तो हैं ही हैं। सो गाइस हम चले हैं बिलिंग कराने वगैरह भी। इसकी ग्लोबली जो है वो आप कहीं भी करवा सकते हो। तो अभी ये किसी और का बैग है तो ये अभी क्लीनिंग कर रहे हैं, और मेरा जो है ये वाला बैग है जो कि अब पैक होगा, पैकेजिंग में आएगा। सो फर्स्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट थर्ड फोर्थ होगा मेरा लग्जरी ब्रांड। वो न्यू वन लेने जा रहे इतनी एक्साइटमेंट में। न्यू वन जो है वो अभी निकाल रहे हैं, ये जो था डिस्प्ले में था तो थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है, तो इसलिए जो है न्यू वन लेने गए हैं। तो अभी जो मैं आपको फुल दिखाती हूँ पैकेजिंग एंड ऑल, अनबॉक्सिंग भी मैं खुद करूँगी जो कि रूम में जाके होगी। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है तो वो शेयर करेंगे। और मिस्टर खड़े हो गए हैं कार्ड के साथ। पर आई एम हैप्पी, एटलीस्ट जिसको पसंद है वो चीज़ मिल रही है। सो क्योंकि क्या पता था कभी पसंद नहीं आता, मेन चीज़ क्या है मैं हमारे को चूज ही है, तो उनको पसंद आना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो उन्हें पसंद आया तो आई एम हैप्पी इन दैट, एटलीस्ट रोज के पास एक कलेक्शन आ गया। और मेरे को वो पसंद ज़्यादातर उस तरह का नहीं लेना था जैसे विक्टोरिया सीक्रेट वगैरह में मैंने लिए हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट टोटे काइंड ऑफ लेना था, बिकॉज इसके जो फेमस हुए हैं वो टोटे बैग्स फेमस हुए हैं। एक आपको मैं दिखाता हूँ शूज़, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ शूज़ लेने की, आप भी देख के बताइए। हम क्लासोर्स है शूज़ लेकिन मुझे ये इसमें इस टाइप से है जो डिस्प्ले है इसका, ये तो प्लेन है। ये भी बहुत महंगे हैं वैसे, ये भी जितने का पर्स है उतने के ही हैं शूज़ भी। तो ये हैं इसके शूज़। तो देखते हैं, अभी मैंने एक और ब्रांड के भी देखे हैं, अगर वो पसंद आते हैं या फिर ये, वो दिखने में अच्छे हैं, ये थोड़ा ब्रांड कॉस्टली है, बस ये फ़र्क है। जो थोड़ा बहुत कलेक्शन मैं आपको जितना शूट हो पाएगा उतना दिखा दूँगी। मुझे ये भी पसंद आया था हमें, तभी तो वो वाइट वाला भी नहीं लिया। बेल्ट्स वगैरह है ऑप्शन। हमारा बैग आ चुका है ना, मुझे है, हम दोनों की बिलिंग करा रहे हैं बैग और शूज़ की। बहुत ही मोटा खर्चा हो गया है, तो अभी जो है हम बैग चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो उसको पैक करेंगे। मतलब इतना महंगा बैग लेना, मतलब पूरा खर्चा हो गया है। तो अब ये जो है बिलिंग करके जो है इसको सजा रहे हैं, भाई इतने पैसे में सजाएंगे ही। टंटना हमारा बैग रेडी, और आगे जो है शूज की इन्होंने पैकिंग करी है। तो फाइनली जो है वो बिल जो है मोटा कटने के बाद अब चेहरे पे स्माइल दोनों बैग्स के साथ, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं बोलूँगी पीपल को मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस लग्जरी ब्रांड।